निवासी दीनदयाल पुत्र चंपालाल राठौर के यहाँ कंप्लेन डिब्बा में निकली मरी हुई छिपकली। जी हाँ, 8-10 दिन बाद बच्चों की माँ ने बच्चों को पिलाया पाउडर, जिससे कि उनके बच्चों की तबीयत खराब हुई और उनको बुखार के साथ पेट दर्द हुआ, जिसे बच्चों को तुरंत फिरोजाबाद के निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मीडिया से बातचीत के दौरान परिजनों ने बताया कि अभी तक 1,00,000 रुपए खर्च हो चुके हैं और आगे की दवाई के लिए अब पैसे नहीं है। बच्चों के पिता श्री दीनदयाल तिहाड़ी मजदूरी करते हैं, फिलहाल बच्चों की तबीयत में सुधार हो रहा है। श्री दीनदयाल जी ने कंपनी के लिए फोन किया तो कंपनी वालों ने फोन में बताया कि हम 2-4 दिन में आपके पास आ रहे हैं और जैसा होगा वैसा समाधान किया जाएगा, आपको दूसरा पाउडर दे करके आएंगे, उस डिब्बे को हमको दे देना। लेकिन जब कंपनी की तरफ से कुछ लोग घर पर आए हुए थे तो उस कंप्लेन के डिब्बा को ले जाने के लिए मांग रहे थे, परंतु दीनदयाल जी ने उस डिब्बे को नहीं दिया और वह वापस कंपनी के लोग चले गए। लेकिन जाते समय उन्होंने कहा कि हम 2 दिन बाद फिर आएंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बच्चों की दवाओं का खर्च कंपनी क्यों नहीं उठा रही है? करोड़ों का टर्न ओवर करने वाली यह कंपनी गरीब परिवार के लिए छोटा सा खर्च नहीं उठा सकती है। परिजन पर कंपनी से कर रहे हैं बच्चों की दवा के लिए पैसों की मांग। देखिए मोहित गुप्ता की यह रिपोर्ट। क्या करना हुई है? चौराहे पे से कंपनी का डिब्बा लिया था जनसेवा केंद्र पे से, तो 500 रुपए का दिया था। वो डिब्बा उन्होंने पहले पिला दिया, बाद में दूसरा खोला, उसके अंदर छिपकली निकली है। बच्चे हमारे दोनों परेशान हो गए हैं, लड़की लड़का। कंपनी वाले यहाँ पर आए थे? कंपनी वाले यहाँ पर आए थे, डिब्बा दे रहे, वापसी के पल्ला दे दो, दूसरा ले लो। हम पहले क्या खरीदा था आपने? कॉम्प्लेन खरीदी? हाँ, कॉम्प्लेन खरीदी मैंने। कॉम्प्लेन में छिपकली निकली? हाँ, छिपकली निकली अंदर, बीचा बीच में जाकर। बच्चे की स्वास्थ्य कैसा है? बच्चे अब थोड़ा इलाज चला, अभी तो खैर थोड़े सही है। आप बताइए। आशावाद जनसेवा केंद्र से मतलब तो उसे खोला तो उसमें मतलब थोड़ा पी लिया था, उसके अंदर छिपकली निकली है। अब बच्चे बीमार पड़ गए पी के, तो कंपनी से फोन किया तो कंपनी वाले आए थे, वो कह रहे थे डिब्बा चेंज कर लो, तो मैंने किया नहीं। बच्चे का स्वास्थ्य कैसा है? बच्चे का इलाज चल रहा है, बीमार हो गए थे, अभी तो ठीक है। कंपनी वालों ने कुछ आश्वासन, क्या आश्वासन दिया कंपनी वालों ने? कुछ नहीं, डिब्बा चेंज कर रहे थे, मैंने अच्छा ये नहीं कहा कि बच्चे का स्वास्थ्य है तो उसके लिए कुछ कुछ धनराशि की व्यवस्था करे? नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं किया उन्होंने। थाने में कुछ तहरीर दी आपने? नहीं। अच्छा ठीक।